मॉर्निंग स्टूडेंट, SGM पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम, क्लास इज सब्जेक्ट मैथ, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है डेसिमल नंबर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट के इस साइड इंटीग्रल पार्ट जो पॉइंट के इस साइड नंबर है उसका लास्ट से हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो हमने टू का पेयर बन रहा था, हमने टू का पेयर बना लिया। और जो पॉइंट के इस साइड वाला नंबर है, जो डेसिमल पार्ट है हमारा, उसका क्या करेंगे, हम यहाँ से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 62 का पेयर बनाया, 76 का पेयर बनाया। अगर पेयर नहीं बन रहा है, कोई एक पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, जीरो के भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले देखो, आपने जो पिछली वीडियो में स्क्वायर रूट निकालना फाइंड किया था, क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 3 3 जा 9 हो रहा है ना, तो 9 टाइम्स ही करेंगे इसको। 3 3 जा 9 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, इसमें 3 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये 6, ठीक है। अब देखो, अगर हम इस पेयर को लेंगे तो हमें क्या पॉइंट भी यूज़ करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इस वाले पॉइंट को लगा देंगे। और क्या कर देंगे, अब इससे हम ले लेंगे 62, क्या ले लेंगे, इससे ले लेंगे, इसे 62 लिया। अब देखेंगे कितने टाइम्स बाद, ये 2 टाइम्स बाद शायद, आई थिंक हो जाएगा, 2 टाइम्स बाद किया हमने, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करो, कितना हुआ ये 8, कितना हुआ 3, 38 हो गया। अब क्या है, जो 2 से हमने इसको डिवाइड किया था, वही 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड करना पड़ता है, यही तो बताया था। तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम क्या लेंगे, 76। नेक्स्ट नंबर क्या हुई हमारी, 76। अब देखेंगे, अब किस कौन सी नंबर से ये डिवाइड होगा, ये नंबर से 6 से देखें, 6 से देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 6 4 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 जा 6 3 27 2, 6 6 जा 36, 36 जा 38। देखो ये 6 टाइम्स में क्या हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 6 यहाँ लेना पड़ेगा और 6 वही यहाँ लेना पड़ेगा, जिससे डिवाइड करते हैं, सेम नंबर यहाँ लिखेंगे, वही सेम नंबर यहाँ लिखेंगे, ऐसे ही प्रोसेस करते हैं इसका, ठीक है। 6 6 जा करेंगे तो 3 8 7 6 ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। और देखो कोई नंबर भी नहीं है कि हम उसको और आगे कर सके, तो हमारा जो स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, जो स्क्वायर रूट इस वाले नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ 10.6276 क्या होगा, 3.26 होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर निकल आएगा। अब नेक्स्ट एक और समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे आपका एक्सरसाइज, जो आपको एक्सरसाइज 2D करनी है ना, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर है आपकी, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ के 2 2 के पेयर ये बन गए हैं, लेकिन इस वाले के 2 के पेयर नहीं बना, तो मैंने क्या किया, आगे एक जीरो को ऐड कर दिया, और देखो 2 का पेयर बन गया हमारा, 2 का पेयर बन गया ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 9 हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 6, ठीक है, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर हम क्या ऐड करेंगे इसमें, नेक्स्ट नंबर करेंगे हम 30, नेक्स्ट नंबर क्या ऐड करेंगे हम इसमें, 30 ऐड किया हमने इसमें, ठीक है। लेकिन अब हमें दिख रहा है कि जब हम 6 से, मतलब कोई नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर एक्स्ट्रा, ये खुद 60 से ऊपर चली जाएगी नंबर, तो ये 30 से कैसे डिवाइड होगा, जब 30 से डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, आप पॉइंट लगा लेंगे। अब पॉइंट पहले लगाना पड़ेगा, क्योंकि 30 हमने ले लिया था, ठीक है, तो ध्यान नहीं रहा, ठीक है, पॉइंट लगाया हमने, 30 को ऐड किया। अब हमारी नंबर डिवाइड नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 ले लेंगे, यहाँ भी वो 0 ले लेंगे, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रही थी, जैसे आप डिवाइडेंड में करते हैं। और फिर क्या कर देंगे, अब हम 25 को यहाँ पे कर देंगे, 25 को यहाँ पे जैसे ही लिया हमने, अब 5 से डिवाइड करके देखते हैं, जैसे ही हमने 5 से डिवाइड किया, तो ये 5 5 जा 25 और 6 5 जा 30 पूरा डिवाइड हो गया, ये समझ रहे ना, पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि 0 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 0 0 हो गया। तो अब देख रहे हैं इसका जो स्क्वायर रूट निकल के क्या आया, 9.3025 स्क्वायर रूट
ऑफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.05। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही आपको फाइंड करनी है, और आपके होमवर्क में है वो एक्सरसाइज 2D है। होमवर्क में क्या है आपके, एक्सरसाइज 2D। ठीक है, आप कंप्लीट करिएगा इसको।